हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड प्लेइंग विद नंबर, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक टेबल दे रखी है, जिसके अंदर यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ये जो आपने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं उनको आपको अप्लाई करना है इसमें, और बताना है कि आपको जो नंबर दे रखे हैं ये जो इसमें से कौन से नंबर इनसे डिविजिबल है गिवन नंबर से और कौन से डिविजिबल नहीं है। तो आपको इनके कॉलम में यस नो लिखना है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर 990, ठीक है, 990 मेरे पास एक नंबर है। अब इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है कि टू से डिविजिबल है या नहीं है। टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको याद होना चाहिए। टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि वंस डिजिट जो हो किसी भी नंबर का, वो इवन हो या फिर ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वंस डिजिट जो है इसका ज़ीरो है, तो ये टू से डिविजिबल होगा। तो इसकी जगह हमें लिखेंगे यस डिविजिबल बाय टू। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि जो नंबर का हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट थ्री से चेक करना है, उस नंबर के डिजिट का सम जो है वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे डिजिट का सम हम देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 9 = 18 + 0 = 18, ठीक है। और अपन जानते हैं 18 जो है थ्री के टेबल में आता है, मतलब थ्री से डिवाइड होता है, तो ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा यस। सारे डिजिट का सम थ्री से डिवाइड होता है, इसलिए थ्री से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसका डिविजिबिलिटी फोर से देखिए इसकी डिविजिबिलिटी। हमें पता है फोर के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट के टू डिजिट जो होते हैं नंबर के, लास्ट के टू डिजिट फोर से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट के टू डिजिट फोर से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर 90 को फोर से डिवाइड करें तो 90 में ये जाएगा, 9 में 4 टू जा 8 के बाद यहाँ पर 1 और 10 बचता, जो कि 10 डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। इट मीन्स ये 90 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसके जगह लिखेंगे नो, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम 5 से चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी आसान है, वंस डिजिट 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर वंस डिजिट क्या है, 0, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। 6 का चेक करते हैं। 6 का चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो डिविजिबल बाय 2 यस, डिविजिबल बाय 3 यस, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे अलग से चेक नहीं करना है, यहाँ पर देखना दोनों जगह अगर यस है तो 6 में भी यस होगा। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 8 से। 8 से चेक करने के लिए हमने कहा देखा था कि यहाँ से इसके लास्ट के जो 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या था, लास्ट का 2 डिजिट, और 8 के लिए होता है लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर बना हुआ वो 3 डिजिट से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अगर 990 को अगर 8 से डिवाइड करें, तो 8 से डिवाइड करने पर फर्स्ट 9 में 8 बन जा 8 होगा, ठीक है। 8 को 9 से माइनस करने पर हमारे पास 19 बचता है, और 19 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 19 8 से डिविजिबल नहीं है, और लास्ट में तो 0, ठीक है। 19 8 से डिविजिबल नहीं, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। और ये जो अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं, इट मीन्स ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 के लिए ये नो। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर। तो सारे डिजिट का सम यहाँ पर देख लेते हैं, 9 + 9 = 18, 18 + 0 = 18, ठीक है। और अपन जानते हैं 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में 18 आता है। तो यहाँ पर लिखना आपको यस। एंड नेक्स्ट 10 से चेक करने के लिए, वंस डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। हमारा जो गिवन नंबर है उसका वंस डिजिट 0 है, तो ये डिविजिबल होगा 10 से। नेक्स्ट 11 का चेक करने के लिए हमें करना होता है कि ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम और इवन प्लेसेस का डिजिट के सम का डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हम चेक करें तो वंस यानी ओड डिजिट पर हमारे पास 9 है और 0 है, 9 + 0 हमारे पास 9 होगा, एंड इवन प्लेसेस पर ओनली 9 है, तो 9 - 9 0 होता है, और अगर डिफरेंस 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपको यस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके कॉलम में सिर्फ आंसर यस नो आएंगे। इस तरह से एक दो नंबर और देख लेते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नंबर देख लेते हैं हम,
ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि अगर टू से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको सीधा सा आपको नंबर देख के ही पता चल जाएगा टू से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि इवन नंबर वंस नंबर आपको चेक करना है, वंस अगर इवन है या ज़ीरो है तो वो टू से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर में आप चेक करोगे तो ये क्या है, इवन नंबर है सिक्स, ठीक है, तो टू से डिविजिबल होगा। तो यस, ये दोनों नंबर आप खुद सोल्व करना, ठीक है। आपको ये डिविजिबल टेस्ट जो आपने पढ़े हैं वही लगाने हैं आपको। तो मैं ये नंबर और करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर इवन नंबर है वंस, तो ये टू से डिविजिबल होगा। थ्री से चेक करने के लिए क्या करना होता है, सारे डिजिट का सम थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स, और ट्वेंटी सिक्स जो होता है वो थ्री से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा नो, ठीक है। और इसी तरह से सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल होता है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन 26 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से समेशन निकाल लिया, अब साथ साथ इसको 9 के भी ले लिख दो कि 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से चेक करने के लिए लास्ट का टू डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो 8 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा इसका डिजिट, 4 टू जा 8, लेकिन 6 जो है लास्ट का डिजिट वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखा था, या तो 0 हो वंस डिजिट या फिर 5 हो। तो यहाँ पर न तो 0 है वंस डिजिट और न ही 5 है, यहाँ पर वंस डिजिट है 6, इट मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 के लिए भी नो। नेक्स्ट हम देखते हैं 6। यहाँ पर ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये यहाँ पर दोनों जगह अगर यस होगा तो 6 में भी यस आएगा, तो यहाँ पर 3 में नो है, तो यहाँ पर भी नो। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 के लिए। तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट के लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो 68 को 8 से, तो ये हो जाएगा 8 8 या 64, 64 से आप माइनस करोगे 68 से, तो 4 4 और 6 46 होगा, और 46 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 से डिविजिबल भी नहीं होगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो आपकी कॉपी में कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 9। हमने एक चेक कर लिया 3 के साथ, एंड 10। 10 के लिए वंस डिजिट 0 होना चाहिए, जबकि वंस डिजिट यहाँ पे 0 नहीं है, तो 10 के लिए भी ये नो होगा। और 11 के लिए डिफरेंस ऑफ इवन डिजिट एंड ऑड डिजिट, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इसमें, यहाँ पर हो जाएगा कि वंस ऑड डिजिट पर जो नंबर ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट है 6 एंड 8, दोनों का समेशन जो होगा वो 14 होगा, ठीक है। एंड 6 एंड 6 दोनों इवन प्लेसेस वाले का 12 होगा, और दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। हमारा कंडीशन क्या थी 11 के लिए डिविजिबल के लिए, या तो डिफरेंस 0 हो या फिर डिविजिबल बाय हो 11 से। यहाँ पर 0 भी नहीं है और 11 से 2 डिविजिबल भी नहीं है, तो यहाँ पर 11 के लिए भी नो होगा। तो हमें सारे डिविजिबल जो है टेस्ट वो हमारे माइंड में रखने हैं, और हमको उनको इन नंबर में 1 by 1 अप्लाई करना है, और आपको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में से मैंने आपको तरीका समझा दिया है, करना क्या है आपको, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो आप होमवर्क में बैठ के सोल्व करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।